दोस्तों दबंग 3 ने छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर काफी बंपर कलेक्शन की है, रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। जी हां, बता दें कि इस फिल्म के कलेक्शन रिपोर्ट्स को जानकर, जी हां छठे दिन की इसकी कमाई को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं राउंड बॉल न्यूज। सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि इस फिल्म ने पहले दिन का 24 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन ओपनिंग डे पे किया था। वहीं दूसरे दिन इस फिल्म ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन, वहीं तीसरे दिन इस फिल्म ने 31 करोड़ 90 लाख रुपए का कलेक्शन। अब चौथे दिन की बात कर ली जाए तो मंडे था, सोमवार को ये फिल्म इसकी कलेक्शन में गिरावट देखी गई, 10 करोड़ 70 लाख रुपए पर इसका कलेक्शन आ गया था। वहीं पांचवें दिन इसका कलेक्शन में बढ़ोतरी देखी गई और 12 करोड़ का कलेक्शन इस फिल्म ने कर लिया पांचवें दिन। वहीं दोस्तों जो कि काफी ट्रेमेंडस बिजनेस था, और अगर बात कर ली जाए तो उसके छठे दिन की जो कलेक्शन है उसमें काफी भारी भरकम जंप देखी गई। जहां बता दें कि तकरीबन अभी तक 17 करोड़ का रिपोर्ट आ चुका है, 17 करोड़ के आसपास इसका कलेक्शन आ चुका है। 17 करोड़ का कलेक्शन इसके छठे दिन की, जो कि अभी तक की कमाई आई है कि 17 करोड़ इस फिल्म का कलेक्शन कर चुकी है। दोस्तों अब देखना काफी दिलचस्प होता है कि नाइट शोज में ये फिल्में कितना अबव कलेक्शन करती है, क्योंकि दोस्तों 17 करोड़ से ज्यादा भी इसका कलेक्शन हो सकता है, क्योंकि एग्जीबिटर्स की तरफ से फिलहाल यही रिपोर्ट्स आ रही है। वैसे टोटली अगर बात कर ली जाए तो 6 दिनों के भीतर 120 करोड़ 85 लाख रुपए का कलेक्शन कर लेगी अगर छठे दिन 17 करोड़ का कलेक्शन होता है तो। अगर 17 करोड़ से इसके ज्यादा का कलेक्शन होता है तो ये फिल्म 120 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। वैसे दोस्तों इस फिल्म ने 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है पहले ही। जी हां, 5 दिनों के भीतर इस फिल्म ने 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है, और छठे दिन अगर 17 करोड़ का कलेक्शन करती है तो यह फिल्म 120 करोड़ का कलेक्शन आराम से पार कर जाएगी, यानी कि 120 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी, और यह फिल्म 6 दिनों के भीतर ही अपना बजट रिकवर कर लेगी। लेकिन दोस्तों अगर बात कर ली जाए तो आप लोग तो जानते होंगे कि हमारे देश में जो माहौल है और जो स्थितियां हैं, जो हलचल मची हुई है, जिसकी वजह से इस फिल्म के कलेक्शन में गिरावट आई। लेकिन सलमान भाई जान ने यह बात साफ साफ कह डाली है कि मुझे कलेक्शन से कोई मतलब नहीं, जो भी कलेक्शन कर रही है उसे मैं संतुष्ट हूँ, बस मेरे फैंस सुरक्षित हों मैं यही चाहता हूँ और यही कामना करता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से सलमान भाई जान ने यह बात कह डाली है कि मुझे कलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, बस मेरे फैंस सुरक्षित रहें, लोग सुरक्षित रहें। तो दोस्तों इस तरह से सलमान भाई जान ने अपने फैंस के लिए चिंता जताई है। वैसे दोस्तों आप लोग तो साफ साफ जानते होंगे कि हमारे देश में स्थिति क्या है, किस तरह की माहौल बनी हुई है। वैसे तो दोस्तों फिलहाल दबंग 3 काफ़ी अच्छी कलेक्शन कर रही है और बैक टू बैक इस फिल्म के जंप ही करते हुए नजर आ रही है। फिल्म कलेक्शन दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है दिन प्रतिदिन। तो ऐसे में ये फिल्म बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने ब्लॉकबस्टर का ठप्पा बॉक्स ऑफिस पर भी लगवा ही लेगी। वैसे दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ट्रेमेंडस बिजनेस कर रही है, और दोस्तों जिस तरह से ये फिल्म कलेक्शन कर रही है, इसके दिन पर दिन कलेक्शन में बढ़ोतरी हो रही है, उस मुताबिक इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही सलमान भाई जान ने यह भी बात कह डाली कि मेरे फैंस मेरे लिए बहुत ही ईमानदार हैं, तभी तो हमारे देश में इस तरह के सिचुएशन होने के बावजूद भी मेरे फैंस जो हैं इस फिल्म को देखने के लिए जा रहे हैं, और तभी तो दिन प्रतिदिन इसके कलेक्शन में बढ़ोतरी भी हो रही है। वैसे दोस्तों ये फिल्म जो है इस बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ट्रेमेंडस बिजनेस कर रही है। साथ ही दोस्तों इस फिल्म को लेकर लोगों ने भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है, साथ ही क्रिटिक्स ने भी काफ़ी इस फिल्म को सराहा है। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होता है कि आखिर बॉक्स ऑफिस पर कितना तक लाइफ टाइम इसका कलेक्शन आ पाता है। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है इस फिल्म को लेकर, आपका क्या रिव्यूज़ है, क्या रिएक्शन है इस फिल्म को लेकर, नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, जैसे मेरे पास आई कोई भी रिपोर्ट आती है तो मैं आप लोग को जरूर बताएंगे। अगर आपने विजिटर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।